गुड मॉर्निंग गाइस, 12 बज गए हैं एंड आप सोच रहे हो कि इतना लेट घर से क्यों निकल रहा हूँ। भाई सुबह से लाइट गई हुई है, एंड बाहर आके कोई बैठा हुआ है एंड पता नहीं वो कौन है। एंड गीजर की वेट कर रहा था कि लाइट आ जाए, लेकिन लाइट बिल्कुल नहीं आई। ठंडे पानी से नहाना पड़ा है, क्या ही बताऊं। इस वजह से ऑफिस भी मिस हो गया, बाल भी नहीं सेट हुए क्योंकि लाइट ही नहीं है। एंड नहाते नहाते एक और चीज़ हुई भाई, पानी ख़त्म हो गया यार। मतलब मेरे को ऐसे हो रहा था, बूंद बूंद से मैंने साबुन उतारा अपने बॉडी से, समझ रहे हो आप बात को। अब मैं जा रहा हूँ जिम एंड ये देख रहे हो ठंड से कैसे लाल हुआ बड़ा सिस्टम मेरा। एक समय था जवानी का जब नहाया करते थे हम भी ठंडे पानी से, लेकिन आजकल मन नहीं करता। आजकल आराम चाहिए, इतनी मेहनत लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि वो आराम ले सकें। मुझे भी आराम चाहिए, स्मार्ट वर्क में बिलीव करना चाहिए, ना कि हार्ड वर्क में। हार्ड वर्क तो होता रहेगा। तो चलिए गाइस, चलता हूँ जिम एंड मिलते हैं वहाँ। आज इसमें जाएंगे जिम, कितने दिनों से ये कार चला नहीं रखी। तेरा सिस्टम समझ रहे हो, सुबह से 9:30 बजे से वेट कर रहा हूँ कि लाइट आ जाए, लेकिन लाइट नहीं आई। फाइनली ठंडे से नहाना पड़ा, 12 भी बज गए। अब जा रहा हूँ मैं जिम, ऑफिस भी मिस हो गया यार, वही 2-3 घंटे जाना होता है सुबह में। तो चलो चलते हैं जिम। जिम मैंने कर लिया है आज, तो बहुत ज़्यादा मेरी बुरी हालत हो गई। कितने मिनट कार्डियो, 1 घंटा 20 मिनट कार्डियो, फिर उसके बाद लेग्स वाली एक्सरसाइज। फास्टिंग पे हूँ एंड अब जा रहा हूँ घर। कल सिस्टम रह गया था अपने टेलर के पास जाने वाला, टेलर को फ़ोन किया है, वो 3 बजे के बाद अवेलेबल होगा। 2:15 हो गए हैं, अभी घर जा रहा हूँ। मम्मी से पूछूँगा 2-3 काम करने हैं कि करने हैं साथ में, क्योंकि हमेशा मेरे को बोल देते हैं तो अपने काम करता रहता, हमारे काम कोई करता नहीं है। तो चलते हैं यार, ये कार भी धुलवानी है, वो कार भी धुलवानी है यार। मतलब ऐसे लग रहा मैंने एक ने ही इतना ज़िम्मा उठा रखा है ना, मैं क्या ही बताऊँ यार। कम से कम एक मेरे साथ बंदा तो होना चाहिए, असिस्टेंट तो मेरा होना चाहिए यार, कि व्लॉग और रीलों वाला काम संभाल ले वो बंदा। खैर कोई नहीं, वो भी दिन आएगा। चलते हैं, बहुत थक गया हूँ, चलते हैं घर, फिर उसके बाद जाना है ऑफिस। शक्ल देख रहे हो मेरी, कितना थक गया हूँ यार मैं, और ये थोड़ा कोल्ड भी हो रखा है। जैसे पंजाबी जो आप कह दें रेशा, इंग्लिश में कह देते हैं म्यूकस,
और हिंदी में कह देते हैं बलगम। बाय गाइस। गाड़ी का क्यों नुकसान करना, आगे सामने ही मिल लो ना एक बारी। घर पे आज हमारे एकादशी का व्रत है और घर पे कुछ नहीं बना, व्रत वाला खाना बना है, तो आज मैं व्रत वाला खाना नहीं खा रहा और मैं कैफेटेरिया आया हूँ खाने। कुछ तो नहीं, आप सामान देख सकते हो बनाया, बाकी हुकुम कुमार भी खाएगा। चलो खाते हैं। चमचा गलत भाई, बाकी इन्हें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है ना, उधर टेस्टी है और टेस्टी खाना है, प्लस इन्हें क्वांटिटी भी कैंड है। बड़ा चक्कर पता की है, ये 200 रुपए की चीज़ हैगी है ना, तो उस हिसाब का पूरी क्वांटिटी है। तेरी नहीं पता? नहीं मैं थोड़े ले, थोड़े ले, नहीं थोड़े ले यार भैया, नहीं थोड़े ले, नहीं थोड़े से तो ले, थोड़े से तो ले। बाकी खा के हम नूडल्स, पंजाबी में नूडल्स खा के, चाउमीन मिन्स खा के अब हम निकले हैं। हम जा रहे हैं अभी गौशाला, जैसे कि आज वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं चंगी लापा की है टोयोटा दी, बट कह रहे कंप्लेंट करनी चाहिए तभी ही कंपनी और बेटर होगी। देखो मेरे को गाड़ी पसंद है इसलिए तो ली है ना, कंफर्ट है, सिस्टम बढ़िया है, गाड़ी बढ़िया है, लेकिन अगर सर्विस नहीं बढ़िया देंगे तो फिर ग्राहक भी कब तक टिकेंगे, है ना, कि सब कुछ सर्विस पे ही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हैरियर और सफारी थोड़ी नाकामयाब इस वजह से हुई है, वैसे तो कामयाब कार है, कामयाब हो गई है टाटा, लेकिन कामयाब अब इस वजह से थोड़ी नहीं हुई, क्यों, क्योंकि उसकी जो सर्विस थी ना, वो जो सर्विसिंग टीम थी वो बिल्कुल ख़राब थी और लोगों को पूछती नहीं थी। अब तो चलो खैर बहुत बढ़िया हो गया सिस्टम, अब सब रिकरेक्ट कर दिया सारा कुछ,
ये मत समझना भाई कि दुश्मन बनता जा रहा हूँ मैं लोगों का, ऐसी बात नहीं है। पैसे देने हैं, काम कराना है मैंने पैसे देने हैं, काम कराना है। पता नहीं अद्धा कौन बोलता जी यार, चलो जो भी बोलता था उसको याद कर लेते हैं। फिर से कहूँगा, पैसे देने हैं, काम कराना है। अगर काम बढ़िया नहीं होगा तो पैसे खर्चे दुखेंगे और मैं नहीं चाहता रात को सोते वक्त मुझे दुख हो नींद तो मैं उदो आ गई थी जो मैं फेल हो गया सी। तू छड्ड दे गल्ला, नींद तो मेरी, नींद तो भुख मैं लग ही जाती है, चाहे जिनी मर्जी मुसीबत हो मेरे शरीर के उपर सिर के उपर जो मर्जी बोलो। तो मैं क्या कह रहा था देखो पैसे दिए हैं, काम तो करना है ठीक है, और मैं चाहता हूँ बेस्ट काम करें है। अब उनको मैं ठोक दिया है ना, हूँ जिदा पंजाबी कहते तसली रहूगी हूँ नाउ ही विल बी यू नो हीरो सेवंथ सेवंथ क्लाउड एंड गुड फीलिंग एंड नाइस फीलिंग। कहते जिम जाने का सही टाइम ही कहते साढ़े पांच है, सही गल है। शाम को चलिया भी जिम सौ खा तीन कजे चलिया को साहब जिन्ना मर्जी बना लो अपने हिसाब नहीं चलन गए जो मर्जी कर लो। कोच साहब कोई कहूगा ना कोच साहब तीन बजे जान, नहीं यार नहीं दूजे दिन बेशक आप तीन बजे गए हो, कोई कह दूगा फिर तो नहीं जाना ही नहीं। कोई बात नहीं ऐसे तो चलता रहता यार अपनी लैंग्वेज लोग ही हो गया ब्रो, कुछ बोल तो सही। तो ठीक है गाइस है ना, तो ये थोड़ी देखो यार जनता पैसे देती है, मैं चाहता हूँ पता क्या, जिस भी बंदे से आप काम करवाओ ना सही यूटिलाइज तो हो ना पैसा। देखो महंगाई हर साल 10% बढ़ रही है, हर हफ्ते कुछ पॉइंट पैसे डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है ना, पैसे फ्री में तो आ नहीं रहे, बहुत मेहनत लग रही है बहुत ज्यादा। एंड इस करके मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी गाइस जुबान पे नहीं जाना किसी की, जुबान देता हूँ फलाना नहीं, वीडियो बना लो, वीडियो बना लोगे आपके पास रिकॉर्ड होगा, आप सिस्टम बिल्कुल टाइट कर सकते हो। ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलो अब चलते हैं हम गौशाला फिर मोरे फिर ओके बाय बाय। मेरी असली रानियां तो यही हैं, ठीक है लो पट्ठे ये है रानियां, ये है मेरी रानियां, मेरी रानियां, मेरी रानियां। शेर झपके ना पलक जब शिकार हो सामने है, गांठ नहीं खोलती बाऊ जी अच्छा तू भी आया वा बाऊ जी अगे आओ एक तो बाहर आ गई है मिक्स वैरायटी है सारी। पहला बहुत थले भी कर लिया नासा चल गया हूं ही कह लगे जैसे आपने देखा है माधव भैया ने बड़ी मुश्किल से मनाया उसको उसको पट्टे खाने के लिए